भाई साहब, जब फोन में घुसी होती है ना तो ये अलग दुनिया में होती है, अलग दुनिया। पता है पता है, मैंने ना एक नई साइट देखी राहुल, इसका नाम है नर्सरी लाइफ। अगर आप 15 रेफरल्स, 15 to 16 रेफरल कोड, मतलब अगर 15 से 16 लोग या 25 लोग अगर वो कर देते हैं, रजिस्टर करते हैं आपके रेफरल कोड से, देन यू गेट 5 इंडोर प्लांट्स फ्री। और ये साइट का नाम है नर्सरी लाइव, एंड इट्स, मतलब मैंने जितना देखा, जितना मेरे फ्रेंड्स ने किया है कलेक्ट, इट इज़ टोटली लेजिटिमेट। तो अगर आपको इंडोर प्लांट्स करने हैं अपने घर के लिए ऑर्डर, एंड यू वांट इट फॉर फ्री, जो शिपिंग कॉस्ट लगेगी 79 रुपीज़ की, समथिंग लाइक दैट, बट यू विल गेट 5 ब्यूटिफुल पॉट्स ऑफ इंडोर प्लांट। जब इतना पॉल्यूशन है, दैट इज़ बेटर टू बाय सच थिंग्स रादर देन, यू नो, मैं तो पौधे भी मुझे उगते हुए बाहर दिख नहीं रहे हैं, तो घर में फ्रेशनेस चाहिए। सो नीचे आपको इसका टैग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन गो देयर। और बहुत ही अच्छी बात है ये कि दैट वी शुड हैव प्लांट्स, प्लांट्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अभी लॉकडाउन के टाइम में मैंने इस बात को एहसास किया था कि पॉल्यूशन लेवल जो था वो एकदम सही हो गया था। और आज जब, कल रात को जब मैं बाहर निकला तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। मतलब एक तो फ्रेश एयर की सांस होती है और एक मिली हुई धूल मिट्टी और अलग तरीके का धुआं हुआ कुछ। तो ये इस वजह से भी है कि हरियाणा पंजाब में जो भी जलता है वो इस तरफ आता है धुआं, और कुछ इस वजह से भी है कि दिल्ली में ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन हो गया है, फिर से क्रॉस कर दिया है लाइन को, लिमिट को। सो ग्रो प्लांट्स, अपने घर में उगाएं, कुछ भी करें अपने घर में। ये वाला भी आप कर सकते हैं फ्री में, 4 या 5 जो भी प्लांट्स आपके घर में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कर दो इसको, ठीक है। फिल द फॉर्म एंड गेट योर प्लांट्स एट योर हाउस। तो मेरा एक सवाल था आप लोगों से भी है, मैंने साक्षी से भी पूछा कि अगले 1 साल में आप हमारे चैनल को कहाँ देखते हैं, तो साक्षी का क्या जवाब है? YouTube पे। बहुत ही बेहुदा जवाब आया है मेरे पास। क्यों, कोई और, कहीं और देखेंगे क्या? आप ऐसा जवाब मत देना, कमेंट करके बताना अगले 1 साल में आप हमारे इस YouTube चैनल को कहाँ देखते हैं और कहाँ देखना चाहते हैं। दिस इज ऑल योर वर्क, आप ही करेंगे, जहाँ पर भी लेके जाएंगे आपके वसीले से जाएंगे, हमारे व्यूअर्स के वसीले से। हम तो यहाँ पर बैठ के ऐसे ही कैमरे के सामने बातें करेंगे, कुछ कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाएंगे, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कुछ सैड, कुछ कुछ अच्छा, कुछ कुछ गंदा नहीं दिखाएंगे। सो दिस इज़ ऑल योर वर्क टू टेक अस ऑन हाइट्स, है ना भाई, हाइट्स पे जाना है, सबको अच्छा लगता है। सो आप कहाँ देखते हैं हमारे RPJ परिवार को, RPJ चैनल को अगले 1 साल में? कितने सब्सक्राइबर्स, कितने व्यूज, है ना, एक एजेंडा होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए ना। मैं तो देखता हूँ भाई 10K होने चाहिए अगले साल तक, 10K, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आप लोगों ने चाहा तो पता नहीं कहाँ ले जाओगे, 10K इज़ मिनिमम, मैक्सिमम इज़ ऑल योर वर्क। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हमारा ERPG चैनल किस मुकाम तक जाएगा। ऐसे शब्द निकालने पड़ते हैं, जब तक शब्द नहीं निकलेंगे तब तक जान नहीं आएगी किस में, वाक्यों में। वाह, एक और शब्द याद आया ये कह रही मुझ में, भाई साहब जब फ़ोन में घुसी होती है ना तो ये अलग दुनिया में होती है, अलग दुनिया, पता है, अलग दुनिया, प्लूटो पे चली जाती है अर्थ को छोड़ के। हाय, ऐसी हाल होती है। बिग बॉस को पता है बहुत बड़ा काम है, एक ही काम है, वो लड़ाई करवाता है। पूरे शो में बिग बॉस ने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करवाई और कुछ नहीं। बिग बॉस चाहते हैं आप कन्फेशन रूम में आए, बिग बॉस चाहते हैं ये करें, बिग बॉस चाहते हैं आप लड़ाई करें तो यही हो रहा है बिग बॉस में। आप भी देखते हो,
क्या होता है नेक्स्ट डे। सो गाइस रात को तो मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाया तो इस टाइम मैं व्लॉग को एंड करना चाहता हूँ एंड आई होप वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा। दिस इज द अदर डे। सो कीप लविंग अस फ्रेंड्स, अजीजों आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत। एक भाई हैं JS फिल्म्स, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, वो एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, प्यार आपका रहमत उसकी और मेहनत हमारी, बस ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी आर डूइंग आवर पार्ट, यू डू योर पार्ट, गॉड इज़ ऑलवेज देयर एंड ही इज़ डूइंग हिज पार्ट। सो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज योर लव इज़ ऑल वी नीड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। अभी लॉकडाउन के टाइम में मैंने इस बात को एहसास किया था कि जो पॉल्यूशन लेवल था वो एकदम खत्म हो गया था मेरा, और जेट प्लांट फ्री हो गया।